आज की इस वीडियो में हम लोग कोरल ड्रॉ के अंदर कैसे प्रीसेट जो शेडो इफेक्ट्स है वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं वो हम लोग इस वीडियो में आज जानेंगे। तो दोस्तों कोरल ड्रॉ को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ और एक नई डॉक्यूमेंट्स हम लोग ले लेते हैं, कोई भी एक नई डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ मैं, ठीक है, जो है बाई डिफ़ॉल्ट मैं वही ले लेता हूँ। तो गाइज शैडो इफेक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आप डिज़ाइनिंग करने जाते हैं, क्योंकि शैडो इफेक्ट तो पहले आपके डिज़ाइन को बहुत ही क्लासी लुक दे देता है, और दूसरी चीज़ कि जब भी आप प्रिंटिंग में अपने डिज़ाइन को कुछ यूनिक बताना चाहते हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं आपके डिज़ाइन के अंदर लेकिन आप किसी एक ख़ास चीज़ को काफ़ी हटके दिखाना चाहते हैं, या आप ऐसा चाहते हैं कि वो थोड़ा सा 3D जैसा लुक आया उसका, तो उस केस में जो है शैडो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या चलिए अभी हम लोग देखते हैं किस तरीके से कोरल ड्रॉ के अंदर आप प्रीसेट जो है शैडो इफेक्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैं सिंपली कोई भी एक शेप बना लेता हूँ। सपोज़ ये एक शेप है, इसको समझने के लिए थोड़ी सी इसकी जो है थिकनेस जो है इसकी लाइन की वो हम लोग बढ़ा लेते हैं। अभी इसको थोड़ा सा और ज़्यादा थिक कर लेता हूँ मैं। हाँ, तो अभी गाइस देखिए, जैसा कि ये बिल्कुल ही नॉर्मल प्लेन सा कुछ भी बॉडी है जो आपको ऐसा नज़र आ रहा है, कुछ ख़ास नई चीज़ें यहाँ पर आपको मतलब कुछ भी वैसा कुछ ख़ास नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन अभी आप देखिएगा कि ये आपको कैसा अच्छा थोड़ा सा अलग जैसा दिखेगा देखने को। तो गाइस सिंपली क्या करना है कि जैसे ही आपको इस पर शैडो लगाना होगा तो आप इसे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है ड्रॉप शैडो का एक टूल नज़र आता है जो कि आपके टूल बार में ऑलरेडी मौजूद होंगी। और जब ड्रॉप शैडो पर जैसे क्लिक करते हैं तो वैसे तो एक ऑप्शन आता है कोरल ड्रॉ में, जब आप नए होते हैं अगर आपको ज़्यादा नहीं पता है तो आप जब इस पर क्लिक करते हैं तो एक ऑप्शन आता है कि आप यहाँ से जैसे शैडो जो है ड्रॉप कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से शैडोज आते हैं, उतना मज़ा नहीं आता, इस पर बहुत काम करना होगा, बिल्कुल ये रॉ शैडो होता है तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप यहाँ शैडो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ प्रीसेट्स ऑलरेडी डिज़ाइंड है सॉफ्टवेयर के अंदर। ये बहुत ही अच्छी बात है कोरल ड्रॉ के लिए कि कई सारी चीज़ें ये आपके लिए प्रीसेट देता है, तो डिज़ाइनिंग आपकी काफ़ी फास्ट और काफ़ी अच्छी हो जाती है। जैसे आप प्रीसेट पर क्लिक करते हैं गाइस, तो देखें यहाँ पर कुछ आपको ऑलरेडी प्रीसेट फॉर्म दे रहे हैं। इस पर जैसे ही आप स्क्रोल ऊपर नीचे करते हैं तो आपको ये ऑलरेडी बताता है कि किस तरीके से ये शैडो नज़र आएगा। सपोज़ मुझे ये चाहिए, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये थोड़ा सा दूर होता है, आपको इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। तो जब आप इसे देखिए कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं तो कैसा एक यूनिक जैसा लगता है ये कि हाँ कुछ तो है, कैसा देखिए कुछ तो कैसा है जो एकदम 3D फॉर्म में अभी आपको थोड़ा सा ही नज़र आना शुरू हो जाएगा कि एक नीचे इसकी एक शैडो है और ऊपर ये ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है। यहाँ से थोड़ा सा आप जो है पहले इसको थोड़ा सा इसकी जो शैडो का इफेक्ट है थोड़ी लाइट या थोड़ा सा अकॉर्डिंगली जैसा आपको ये जो पीछे का कलर होगा उस अकॉर्डिंग आप इसे कर लेंगे तो ये काफ़ी अच्छा आपको नज़र आने लगेगा। सिमिलरली एक और चीज़ जो है मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि सपोज आपने पूरी मेहनत कर ली और यहाँ पर आपने शैडो यूज़ कर लिया, इस तरीके से कई सारे प्रीसेट्स हैं, आप चाहिएगा तो आप कुछ इस तरीके से भी इसे यूज़ कर सकते हैं। और ये जितने प्रीसेट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं कोरल ड्रॉ के अंदर, इतने में आपका काम ऑलमोस्ट हो जाता है जितने भी तरीके के शैडोज आप यूज़ करना चाहते हैं उसके लिए। गाइस अब सपोज आपको चाहिए क्या कि मैंने अभी सपोज़ ये वाला प्रीसेट यूज़ किया है, ठीक है, तो मैंने इसे अभी कुछ यू मेरा ये शैडो है जो मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि वैसे मेरे ये ऑब्जेक्ट है, दो तीन और ऑब्जेक्ट है उस पर ही ऑलमोस्ट सेम जैसा जो शैडो है वो होना चाहिए, तो उसके लिए आपने करना क्या है कि आपने सिंपली जो है इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना है, अगेन आप शैडो पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद आपको कुछ यहाँ पर ऐसा बॉक्स जैसा नज़र आएगा। यहाँ पर आप जैसे ही लेके जाते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या लिख के आता है, कॉपी शैडो प्रॉपर्टीज़। आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो एक एरो बन जाएगी, ये एरो आपको वहाँ पर क्लिक करना है, उस शैडो पर क्लिक करना है जिस शैडो की प्रॉपर्टी आप अपने पुराने वाले ऑब्जेक्ट पे यूज़ करना चाहते हैं। आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कौन सा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ है जिस पे नई शैडो लगने वाली है? देखिए मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया था तो हल्की सी एक छोटी सी एक बॉक्स जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी, मतलब मैं जिस भी शैडो की प्रॉपर्टी को कॉपी करूँगा वो इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो जाएगी। अब मुझे ये वाले शैडो की प्रॉपर्टी यहाँ पर चाहिए तो मैं इस शैडो पर ऐसे क्लिक करूँगा, आप देखिए कि बाई डिफ़ॉल्ट ये शैडो यहाँ पर आ जाएगा। कई बार ऐसा हो सकता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट थोड़ी बड़ी है थोड़ी छोटी है तो हो सकता है कि सेम टू सेम आपको ना मिले, क्योंकि सिमिलर टाइप के अगर ऑब्जेक्ट और सिमिलर टाइप के शैडो की प्रॉपर्टीज़ आप पुराने ऑब्जेक्ट पे या किसी नए ऑब्जेक्ट पे अप्लाई
अप्लाई करेंगे जो कि सिमिलर साइज़ का हो तो प्रॉपर्टी फिट बैठेगी। हो सकता है कि अगर साइज छोटी या बड़ी हो तो वो फिट ना बैठे, तो स्लाइट डिफरेंसेज आएंगे। तो अगेन आप शैडो पर क्लिक करके उसे अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें मैंने आपको बेसिक शैडो की कुछ खास प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताई, कैसे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में आपको और ऐसे ही कुछ नए और कमाल के ट्रिक नज़र आएंगी, कमाल के ऐसे इजी मेथड्स में आपको बताऊंगा जिससे आपकी डिज़ाइनिंग काफ़ी फास्ट, काफ़ी प्रिसाइज और काफ़ी बेहतर होती चली जाएगी, अगर आपको डिज़ाइनिंग का काफ़ी ज़्यादा आइडिया नहीं है तो। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरे नए नए वीडियोज़ के अपडेट यूँ ही मिलते रहें।